अते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेशे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् इष्टपितां येन भूतले स्वयं रूप करामयं ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बिरलनाथ दास श्यामवेत माता जी और उनके भक्ति वृक्ष के साथ जुड़े हुए सब भाग्यशाली देवियों, आप सबका उपदेशा श्री उपदेशामृत के दूसरे दिन के सत्संग में स्वागत है। आज हम पहला श्लोक उपदेशामृत का, जिसको कल हमने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, त्रिदंडी गोस्वामी मध्यम अधिकारी भक्त के गुण या गुरु का गुरु प्रिंसिपल। गुरु प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलेंगे कि गुरु के गुण। तो इस श्लोक का आप सब खोल के, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये दो लाइनों में छह प्रकार के वेग है। वेग का मतलब ऐसा आंधी या तूफान जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो, वेग की परिभाषा ही है। वेग का मतलब तीव्र, रोकने में जिसके ऊपर रोकने में हम समर्थ न हों और इतना आसान नहीं हो, उसके लिए कोई ना कोई सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये छह वेग है। पहला है वाचो। वाचो का मतलब बोलना, ये जबान का वेग है जिसमें बोलना है। मनस वेगम और मन का भटकना, मन कहीं भी जाता है, हमारे बस से रुकता नहीं है, इधर से उधर सोचता है। जीवा वेगम, देखो पहले वाचो भी जबान का है और जीवा भी जबान का ही है। जीवा भी जबान को कहते हैं। ये जीवा जिसका मतलब जबान के हैं दो काम। जबान ज्ञान इंद्री भी है और कर्म इंद्री भी है। ज्ञान इंद्री है स्वाद चखने के लिए और कर्म इंद्री है बोलने के लिए। तो जीवा का वेग है खाने के लिए लालायत रहना। उदर का मतलब पेट और उपस्थ का जन इंद्री। तो ये हो गए छह वेग। एदान एतान वेगान यो विषहेत धीरा, जो धीर है। धीर की परिभाषा आज सुबह में प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद जी कहते धीर वो है जो अज्ञानता से मुक्त है, जिसने अज्ञानता के ऊपर, अज्ञानता को जिसने समाप्त कर दिया है, वो धीर है। और धीर का मतलब वैसे जनरल है धीरजवान, जो उत्तेजित उत्तेजित होने के लिए बहुत सी चीजें सामने हो फिर भी वो उनसे प्रभावित न हो। ये धीर शब्द भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक में है, देहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं यथा तथा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र मोहिते। गीता के महात्म्य के श्लोक में भी धीरा है, धीर शब्द है। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, वहां धीर से भी ज्यादा सुधीर है। गीता अमृतम महत, गीता का अमृत वो पी सकता है जो सुधीर है। तो यहाँ धीर का मतलब प्रभुपाद ने लिखा है सोबर, और प्रभुपाद जी जब धीर शब्द आता है तो गोस्वामी का नाम लेते हैं, धीर अधीर। वो स्वयं तो धीर थे लेकिन वो धीर सबके ऊपर कृपा करते थे, धीरा धीरा। तो वो भी धीर, धीर का मतलब जिसका जिसका अज्ञान नाश हो गया है। ये प्रभुपाद के आज प्रवचन में हमने सुना और बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है। वो धीरजवान है जो इन वेगों को वश में कर लेता है, वश हेत रोक लेता है या बर्दाश्त कर लेता है।
यहाँ प्रभुपाद ने शब्द लिखा है जो इनका उनको सह लेता है। इसका अर्थ ये है कि ये नाश नहीं हो सकते, इनको सहना पड़ेगा। गीता में एक श्लोक है 5वें अध्याय में, उस श्लोक में 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है संभवतः। षोड़ुम काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त सुखी न रहा, 5:21 है मैं समझता हूँ, 5:16-17 ये संस्कार 22वां है। शक्नोति ये शोरूम प्राक शरीर विमोक्षणात्, विशेष बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक जीते हैं तब तक ये वेग हमारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वेग समाप्त हो जाएंगे किसी साधन से, नहीं, इनको सहना सीखना पड़ेगा, इनको बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा, इसके लिए धीरज बनना पड़ेगा, धीरजवान बनना पड़ेगा। सर्वान अपि इमाम, वो फिर पूरी पृथ्वी के, पृथ्वीन च शिष्य, पूरी पृथ्वी के ऊपर वो शिष्य बना सकता है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर शिष्य बना सकता है, इसका मतलब गुरु प्रिंसिपल है, वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है क्योंकि वो अज्ञान से पहले ही मुक्त है, उसके पास कृष्ण है, वो दूसरे को कृष्ण दे सकता है। तो ये श्लोक में 6 वेगों का वर्णन है और उसको वश में करने के लिए धीरज बनने की आवश्यकता है। अब इस श्लोक का प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं उसमें पहले भागवत के 2 श्लोकों का उल्लेख करते हैं, जो 6 स्कंद के 1 अध्याय के 2 श्लोक हैं। इन श्लोकों के पीछे सिद्धांत क्या है? मन और इंद्रियों को वश में करना। बिना मन और इंद्रियों को वश में करने के कितना भी प्रयास से बचने का यह संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते परीक्षित महाराज ने सुखदेव से बहुत से प्रश्न पूछे, उसमें से एक बहुत बड़ा बुद्धिमानी का प्रश्न है, वो ये कि लोग प्रायश्चित क्यों करते हैं, पाप करके फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर वापस जाके पाप करते हैं। प्रभुपाद जी फिर इसके लिए उदाहरण देते हैं चोर का। चोरी करता है, वो जानता है कि चोरी करने वाले को पुलिस वाला पकड़ता है, फिर उसको जेल में डालता है, फिर दंड, फिर भी वो चोरी करता है। तो इसमें आप दूसरी स्लाइड में जाइए, 4 बातें बताई हुई है, थोड़ा तो स्लाइड को ऊपर कीजिए। तात्पर्य में आज इसका ये क्या है, ये सारांश दिया है कि इस तात्पर्य में क्या क्या है। तो पूरे तात्पर्य में ये सब चीजें हैं, तात्पर्य में पहला है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित, सही प्रायश्चित क्या है ये हमको आज समझना है। दूसरा है षड वेग, इसका मतलब सबके एक एक के नाम लिख के, जीवा के वेग से लेकर उपस्थ इंद्रिय के वेग तक, भक्ति से इनका निवारण कैसे किया जा सकता है, मतलब सहने की शक्ति कैसे पैदा की जा सकती है भक्ति से। यहां के बाद अनुवृत्ति टीका है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उपदेशामृत के ऊपर भाष्य है, उसी को प्रभुपाद जी ने इन्हीं 6 श्लोकों को दूसरे दृष्टिकोण से समझाया है। और अंत में निष्कर्ष है कि हमें इस पूरे श्लोक पढ़ने के बाद किस चीज को जीवन में धारण करना चाहिए। तो ये तात्पर्य में 4 विभाग हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इन 4 विभागों में आप दिस स्लाइड में जाइए तो देखिए कि अनियंत्रित इंद्रियां,
मन और इंद्रियां, मन भी इंद्रियों के अंतर्गत आता है, और इंद्रियां पांच ज्ञान और पांच कर्म इंद्रियां और ग्यारहवां मन, ये अगर नियंत्रण में नहीं है तो पाप की प्रवृत्ति सदा बनी रहेगी और पाप करेगा तो नरक आदि की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। ये सामान्य सिद्धांत है। अब जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, इसके बाद वाला स्लाइड देखें फिर हम अपने किताब को शुरू करते हैं पढ़ना। ओ हाँ, चार प्रकार के लोग कहते हैं कि एक लोग वो है जो सुनकर सीखते हैं, एक बार सुना दो कि गलत काम नहीं करना है तो नहीं करते, ये है बुद्धिमान। दूसरे हैं देखकर सीखते हैं, सुनने से नहीं, जब तक देखते हैं कि चोर को पुलिस पकड़ के जा रही है, डंडे मार रही है, तो फिर वो कहते हैं ये काम नहीं करना है। और तीसरे हैं जो अनुभव करके सीखते हैं, एक बार चोरी करके जेल में जाते हैं, डंडे खाते हैं, फिर कहते हैं अब नहीं करना। और चौथे हैं जो अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखते, वो बार बार फिर वही काम करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का अब जो हम पढ़ रहे हैं इसके तात्पर्य में ये बात खास जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तात्पर्य अपना आप देखिए इसमें प्रभुपाद जी का, कम बुद्धि वाले कौन से, इसमें मूर्ख पहले नंबर का कौन है, चौथा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कम बुद्धि वाला जो है वो देखने के बाद, जो बुद्धिमान है वो सुनने से, किताब से शास्त्र से सुनता है गलत काम नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करता, और कोई जो है दंड पुलिस का दंड खाने के बाद चोरी करना छोड़ते हैं, इसका मतलब अनुभव के बाद, इसको कम बुद्धि वाला प्रभुपाद जी लिखते हैं। और फिर कहते हैं सबसे बड़ा बदमाश और मुहा मूर्ख वो है जो सुनने के बाद देखने के बाद अनुभव करने के बाद भी वही काम करता रहता है, उस काम को छोड़ता नहीं है, ये है महामूर्ख। ये दूसरों को नहीं समझे, हमारे अपने जीवन में देखें, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं और सुनने के बाद ये सब करने के बाद भी बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो इसमें प्राश्चित क्या है, इसमें प्राश्चित है सरकार का दंड, जेल में गया ये प्राश्चित है, फिर वो चोरी करता है, तो ये जो जेल का दंड है ये है प्राश्चित। ऐसे हमारे वेदों में कुछ दान कराते हैं, कुछ पूजा कराते हैं, पाप का प्राश्चित करते हैं, इसको प्राश्चित कहते हैं। पुराने जब हम बच्चे थे हमको कहता आपने बिल्ली मारी तो सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, ये प्राश्चित है। अब ये 9 श्लोकों को संस्कृत में प्रभुपाद ने दिया है, 9 और 10 6 अध्याय का आपके पुस्तक में देखते हैं, ये प्रभुपाद ने ऊपर तो पहले तात्पर्य दे दिया फिर श्लोक दिए। दृष्टा मतलब देखने से, श्रुताभ्याम मतलब सुनने से, यत पापम ज्ञानम अपि आत्मानो हितम, जानम वो जान भी गया है, अपि आत्मानो अहितम जानता है कि मेरा इससे अहित होगा, करोति भूय विवश बेबस होके दोबारा वही काम करता है, तो फिर प्राश्चित कहां हुआ, क्योंकि उसकी इंद्रियां बस में नहीं है। क्वचन निवर्तते अभद्रात, क्वचन निवर्तते अभद्रात, बुरे चीज से कभी समझ तो अपने आप को बचा भी ले, क्वचन चलती तत् पुनः, फिर वापस उसी काम करने में लग जाता है, प्राश्चितम अथ अपार्थम, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। अपार्थम का मतलब है कि वैसे पार्थ कहते हैं कौन सा भोजन बीमार को खाना चाहिए, वो बीमार उस वो थोड़े देर के ठीक होने के बाद फिर वही भोजन खाएगा, डायबिटीज वाला है शुगर बंद कर दो ठीक हो जाए फिर शुगर खाएगा। तो मन्यते कुंजर उच्चौचन, मुख्य उदाहरण है कुंजर कहते हैं हाथी को, और शौचवत का मतलब स्नान करना, वो नदी में जाएगा स्नान करेगा बाहर निकलेगा फिर अपने ऊपर मिट्टी फेंकेगा, तो ऐसे स्नान का लाभ क्या है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं
ये जितना, क्योंकि ऊपर का यहाँ तात्पर्य दिया हुआ, यहाँ ट्रांसलेशन दिया नहीं, अनुवाद दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर अनुवाद करके आए हैं प्रभुपाद जी। लेकिन आप अगर और इन श्लोकों को ठीक समझना चाहिए तो छठे स्कंद के पहले अध्याय के दो श्लोक, उनके तात्पर्य प्रभुपाद जी को देख लेना और थोड़ा आपका विकसित हो जाएगा इन श्लोकों को समझने का। और हमारा तो ये आपको सलाह है, परामर्श है कि इन शब्दों को ऐसे ही आप अपनी भाषा में बोलना सीखो। क्वचन निवर्तते, निवर्तित मतलब छोड़ दे, क्वचन मतलब कभी कभी, अब भरद्रात मतलब जो भद्र नहीं है, अच्छा नहीं है, क्वचन चलती फिर वापस उसमें लग जाता है, तत्पुनः फिर। तो ये आप अपने भाषा, भगवान ने आपको भारत वर्ष में जन्म दिया है, ये संस्कृत के 90% शब्द आपकी भाषा में है, आप बोलते हो उसमें है, केवल 10% प्रभुपाद जी के पुस्तकों के शब्द आप से देख लो तो आपको ऐसे बोलना आ जाएगा। मन्य से मैं मानता हूं, कुंजर शौचवत हाथी के स्नान के समान है। अब एक शब्द, अब पार्थम जो है का आप शब्द अर्थ में देख के अर्थ देख लें, वे अपार्थम, पार्थम का क्या अर्थ है शब्द, शब्दार्थ में देखना पड़ेगा, सामान्य हमारी भाषा में ये शब्द नहीं आएगा ऐसे। तो ऐसे थोड़ा सा इन श्लोकों के आप, जैसे हमने पहला श्लोक पढ़ा, इन श्लोकों को ऐसे आप अभ्यास करके देख ले। तो इसको कहते हैं हाथी का स्नान, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब इसका उदाहरण किससे दे रहे हैं प्रभुपाद, ये हमारे से लगता है। कहते ऐसे बहुत से भक्त क्या करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं और फिर पाप करते हैं, और वो समझते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र जपने से हमारा पाप जो है वो मिट जाएगा। और प्रभुपाद कहते हैं इसको नाम अपराध में, इसको कहते हैं नाम बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। नाम बलाद, नाम के बल के ऊपर, यस्य जिसको ही निश्चित रूप से पाप बुद्धि, पाप करने बुद्धि आया हुआ है, समझता है कि नाम जपता हूं तो इसलिए मेरा पाप जो है वो खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा, अपार्थ का क्या अर्थ निकला, आप किताब लेके आए थे ना? हाँ, एक 6-1-10 का पार्थ का क्या अर्थ है, अपार्थ व्यर्थ, अपार्थ व्यर्थ, व्यर्थ व्यर्थ, मैं उसको व्यर्थ मानता हूं कि वो हाथी के स्नान के समान है, वो व्यर्थ है। ठीक है, तो ये क्या है, अब थोड़ा थोड़ा सा एक मिनट लगता है, इससे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, लेकिन ये शब्द आपके भाषा में आ जाता है, अर्थ समझ सबको समझ में आता है। अपार्थ मतलब वैरथ, अ आगे लगा रथ वैरथ होगा, प बीच में आया है नया। तो नाम बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के जप के आधार पे ऊपर पाप करना, ये जो है ये सोचना ठीक नहीं है। अब प्रभुपाद जी ये अपनी बात कर फिर पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे, तो ईसाइयों की बात कर रहे हैं कि वो शनिवार को जाके कहते हैं कि हमारे सब पाप आप ले लो, जीसस क्राइस्ट, आप हजरत ईसा हमारे पाप ले लो। वो पाप तो छोड़ के आते हैं और संडे से फिर नए पाप शुरू करते हैं, इस आधार पे कि शनिवार को जाके फिर क्षमा याचना मांग लेंगे। तो ये जो है दिस काइंड ऑफ प्राश्चित, इस प्रकार का प्राश्चित परीक्षित महाराज उसको धिकारते हैं कि ये बेकार है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बुद्धिमान राजा है, राज ऋषि ये बात कह रहा है। और फिर उनकी बात का समर्थन सुखदेव गोस्वामी जैसे महान श्रोमणि जो वृत्त श्रोमणि है, चूड़ामणि है, वो इस बात को कह रहे हैं, जो परीक्षित के गुरु होने के अधिकारी हैं, वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, ये सत्य है, इसको पराश्रित नहीं कहा जा सकता।
अब आप देखिए क्या लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिए। पाप कर्म को पुण्य से मिटाया नहीं जा सकता। पाप करें और कहेंगे पुण्य करेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं। पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य का सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में वो खत्म नहीं होगा। अब प्रभुपाद जी अपना निर्णय दे रहे हैं शास्त्र के आधार पे। असली सही सच्चा प्राश्चित है हमारा सोया हुआ जो कृष्ण भावना है उसको जगाना। वे कृष्ण भावना को मतलब है कृष्ण से जो हमारा संबंध है, जो हम भूल गए उसको जगाना। अब इसके दूसरे पैराग्राफ में आप देखो, दूसरे परिच्छेद में देखो, ये कृष्ण भावना को जगाना क्या है। फिर दोबारा प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं, फिर सही सच्चा प्राश्चित है उसके अंदर सही ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को, उसके लिए सच्चा ज्ञान चाहिए, सही जानकारी चाहिए, और इसके लिए विधि विधान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि विधान है। अब आप इस लाइन को देखकर सोचें कि हमको कृष्ण भावना को जागृत करने है, इसमें विधि विधान है। तो ये 11 श्लोकों का कल हमने देखा था, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पहले 7 श्लोक वैधि साधन भक्ति है, तो इसमें सब विधि विधान है ताकि हमको सही जानकारी प्राप्त हो जाए कृष्ण से हमारा क्या संबंध है उसकी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं इसी बात का, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आजकल अब कोरोना चल रहा है तो कहते हैं हाथ धोना है, दूरी रखनी है, तो ऐसे अगर हम सेहत के लिए सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए मानव समाज में ये शिक्षा आवश्यक है, ऐसे नियमों को सीखना चाहिए जिनके द्वारा हमारा असली ज्ञान जागृत हो जाए। जो इस वक्त हमारे अंदर असली ज्ञान, आत्मा तो सच्चित आनंद है, चित्त का मतलब ज्ञान में, आत्मी आत्मा तो ज्ञानमय है, आत्मा वैसे ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। पाप आदमी क्यों करता है, भगवद गीता का अगर आपको श्लोक याद हो 5वें अध्याय में ही है, अज्ञानेन आवर्तम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतवः। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उसका ज्ञान ढका हुआ है इसलिए वो पशु की तरह पाप करता रहता है। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे इस प्रकार से जिसकी नियंत्रण और नियमित जीवन है, जो किसी सिद्धांत के ऊपर और किसी जैसे साधन के ऊपर टिका हुआ है, उसको कहते हैं तपस्या करना। क्योंकि साधन में जैसे लाल बत्ती आए, गाड़ी को खड़ा होना, 2 मिनट जाते हैं, तपस्या है, पर लेकिन वो क्योंकि नेम है उसका पालन करना है तो उसको तपस्या कहते हैं। ऐसे अगर हम तपस्या करेंगे तो हम सही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो तपस्या हमारे जीवन में आवश्यक है। जैसे आप बैठ के 1 घंटा अध्ययन कर रहे हैं, यह भी तपस्या है। इसके बाद जो लिखा है, अब क्या जो असली ज्ञान है उसको प्रभुपाद जी किससे तुलना दे रहे हैं, कृष्ण भावना से। असली ज्ञान कृष्ण भावना का मतलब, असली ज्ञान यह है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, उसी से प्रेम और सेवा करना यही मेरा धर्म है, यह है सही ज्ञान। अब जो कामा के बाद लिखा है यह दूसरा विषय है, और वो विषय है कोई तपस्या करे, कोई ब्रह्मचार्य का पालन करे, कोई मन को वश में करने का अभ्यास करे, कोई इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करे, कोई अपने धन को दान में देने का भले कुछ प्रयास करे, और कितना भी जीवन में सत्यवादी बने, अपने आप को स्वच्छ रखे, पवित्र रखे, और योग आसन करे,
फिर भी इतना आसान नहीं है इसको समझना। परंतु अगर वो भाग्यशाली है और किसी शुद्ध भक्त का संग मिला है तो फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना के नाम लिए। मन को रोकने के लिए ऐसे योग अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो उसको बहुत सरल नियमों को पालन करेगा। और वो नियम प्रभुपाद जी कहते हैं जो चार नियम धर्म के रक्षक हैं, सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक हैं। वो चार नियम हम सब जानते हैं, मांस भक्षण नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष का संबंध ना रहे, कोई नशा न करे और कोई जुआ न करे। इतना ये तो है, ये है परहेज, ये क्या है, ये है स्वस्थ रहने के सफाई के नियम, अधर्म से पाप से बचने के लिए ये साधन है। परंतु सकारात्मक क्या करना है, श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान की सेवा में लगना। कैसे लगे, गुरुदेव के प्रमाणिक गुरुदेव के निर्देश में। ये बहुत आसान साधन है जो श्रील रूप गोस्वामी हमको सलाह देते हैं, और इसी को करने के लिए वो हमारे को निर्देश करते हैं। तो अब मैं ये बीच में टुकड़े जो हैं ये क्यों दिए हुए हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए तो इसको आप देखिए। आप थोड़ा स्लाइड नीचे दूसरी स्लाइड में जाइए, हाँ ये स्लाइड को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्राश्चित तीन प्रकार से दिखाया गया है, इसमें कहां से लिया गया है, छठे स्कंद के पहले अध्याय से लिया गया है। अब कर्म कांड के द्वारा मतलब कोई पाप हो गया, फिर जाके उसके लिए पूजा किया, यज्ञ किया, उसके अंतर्गत प्रभुपाद ने चोर का उदाहरण दिया है, जिसे हमने चार देखे उसको सीखने के रास्ते। दूसरा परीक्षित महाराज ने हाथी का उदाहरण, चोर का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, हाथी का उदाहरण परीक्षित महाराज ने भागवत में दिया है, और फिर चर्च में पापों का स्वीकार करने का ये प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है जो 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 कृष्ण लोग करते हैं। ये हुआ कर्मकांड। अभी जो हमने पढ़े थे जो ब्रह्मचार्य पालन करना, दान करना, तप करना, ये है ज्ञान। ये ज्ञान कांड से कैसे प्राश्चित, इसमें है स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन, ये हमने पढ़ा, स्वस्थ रहने के लिए सफाई रखना, क्योंकि ये तो जब समझदार आदमी होगा, जानकार होगा तब करेगा। इसके बाद जो है ये दो उदाहरण अपने इस तात्पर्य में नहीं है, ये दो उदाहरण भागवत में है, पहले स्कंद के और छठे स्कंद के पहले अध्याय में है। वेणु गुलम, वेणु से बांस को कहते हैं, बांस की लकड़ी जो है बंबू उसको वेणु कहते हैं, और गुलम का मतलब वो जब उगती है ना तो क्या करते हैं, जंगल में आग लग तो सारा बांस ऊपर से जल जाता है, उसकी जड़ रह जाती है, दोबारा जब बरसात होती है तो पहले से मोटा बांस पैदा होता है। इसलिए कभी कभी बांस के खेत वाले पहले स्वयं जलाते हैं ताकि बड़ा और मोटा बांस पैदा हो। तो ऐसे ही ज्ञान से ऊपर से हम ये सब साधन करके रोकने का प्रयास करें, लेकिन जड़ अंदर पड़ी रहेगी, और जैसे मौका मिलेगा, अजामिल ज्ञानी था, यज्ञ करने वाला था, ब्राह्मण था, तपस्या कर रहा था, लेकिन जैसे उस लंपट को वैश्य से आलिंगन करते देखा तो उसकी जो उसके अंदर जड़ पड़ी थी वो फिर जाग गई। तो ज्ञान से जड़ रह जाती है, और ये भी उदाहरण भागवत का है, शराब का पात्र शराब से धोना, पात्र शराब से भरा हुआ है उसको बाहर से धोएंगे या शराब से धोएंगे तो साफ नहीं होगा।
अब भक्ति से प्रायश्चित कैसे किया जाता है उसका उदाहरण है सूर्य और कोहरा। इसको ये भी श्लोक है भागवत का, अगर आपको याद हो तो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने इन श्लोकों का भी चर्चा की थी। ये उसमें जो हमारा क्लेश घनी है उसके अंतर्गत आते हैं। वो वेणु गुण भी था ना उसके अंदर। हाँ नेक्टर विभूषण में क्या था? वेणु गुण बना। हाँ वो है ना उसमें, उसमें वो भी है। वो जो है एक पाप को नाश करता है, जैसे अप्रारब्ध प्रारब्ध अप्रारब्ध को नहीं करता है, प्रारब्ध को कर सकता है लेकिन वो अप्रारब्ध को कौन करेगा? सबको कर, अज्ञान को नाश कौन करेगा? अज्ञान को करेगा सूर्य वाला, जो जड़ है सारे पाप की। अज्ञान पहले होगा, फिर इच्छाएं उत्पन्न होंगी, फिर पाप करने की प्रवृत्ति होगी और फिर क्लेश होगा। तो उसमें क्लेश आ गए उनको कैसे नाश करेंगे, पाप की स्थिति को कैसे नाश करेंगे, अज्ञान को कैसे नाश करेंगे? तो इसमें क्या है कि पाप नाश हो जाता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति रह जाती है, ये है वेणु गुणम। और सूर्य और कोहरा, ये है कोहरा कितना भी गहरा हो सूर्य निकलते सब उड़ जाएगा, नाम निशान नहीं बचेगा। तो भक्ति के प्रायश्चित से अज्ञान ही नाश हो जाता है। इसमें हमारे पास उदाहरण वो जंगल में आग लगने का था, सांप भाग जाते हैं, वो था नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो भी था भक्ति रसामृत सिंधु में। लेकिन यहां ये इसी अध्याय से, पहले इस अध्याय के छठे स्कंद से, ये तीन प्रकार के प्रायश्चित, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड का दिया हुआ है। तो ये आप समझ लें। अब हम वापस अपने उसके ऊपर जा रहे हैं। तो जो ये बीच का टुकड़ा है, तपस्या, ब्रह्मचार्य, ये सब जो चीजें थी, ये है ज्ञान। अगर भक्ति का संग हो जाए, गुरु का आश्रय मिल जाए, चार नियम का पालन करे और भगवान की भक्ति में नाम जपे, तो फिर निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है और प्रगति कर सकता है। अब यहां तक तो था प्रायश्चित का वर्णन, जिसमें उद्देश्य था मन और इंद्रियों को वश में करना। अब शुरू होता है छह वेग। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले हमको वश में करना है या सहन सीखना है बोलने की शक्ति को। वाचो वेगम शुरू हो रहा है यहां से, तो सीधा सा ऐसी है, कुछ मेरे का जरूरत नहीं है, वरना ऊपर वाले सारे को प्रायश्चित और यहां से पहला वेग ऐसे पुस्तक में यादगिरी के लिए रखना चाहिए। हम सबको बोलने की जब मौका मिलता है तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु अगर हम कृष्ण के विषय में नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम संसार की बातें करते हैं, वो बेकार है। अब ये जो बेकार बोलना है, इसके लिए प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। जैसे मेंढक है, वो बरसात की मौसम में अपना ट्रां ट्रां करता है तो उसके ट्रां ट्रां से किसी को सुख नहीं मिलता है, लेकिन सांप को पता लगता है कि मेंढक कहां है और सांप आके उसको निगल लेता है। इसको प्रभुपाद जी तुलना दे रहे हैं किसका? दो का। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं भौतिकवादियों का और मायावादियों का। बोलना मेंढक की तरह है, जो काल रूपी सर्प को, सर्प की तुलना दी गई है काल से, मृत्यु से, और इनके बोलने को तुलना दी गई है मेंढक के ट्रां ट्रां से, तो वो मौत को बुलाते हैं बस, और कुछ नहीं है, काल को बुलाते हैं। तो ये जो है, अब ये देख लीजिए दो चीज, किसका बोलना? भौतिकवादियों का और निराकारवादी मायावादियों का। अब ये एक बात करके फिर प्रभुपाद जी दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि कोई कहे कि मैं मौन रह जाऊंगा तो फिर बोलना बंद हो जाएगा, वो भी संभव नहीं। बहुत से ये विशेष रूप से मौन मायावादी ये ज्ञानी लोग हैं, मौन रहना, आज हमारा मौन है, एक सप्ताह मौन रहेंगे,
अगर भगवत गीता में आप मौन को देखेंगे तो वाणी की तपस्या नहीं है, मौन वाणी की तपस्या नहीं है, मौन है मन की तपस्या। भगवत गीता के 17वें अध्याय में जहां तपस्याओं का वर्णन है वहां वाणी की तपस्या मौन नहीं है, वह मन की तपस्या मौन है। तो मन तो भटकता रहता है तो मौन कहां से हुआ, इसलिए मौन बहुत मुश्किल है। तो इनका झूठा मौन है ये, कभी हमको थोड़ी देर के लिए हम चुप रह सकते हैं परंतु हमारे को ये कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करा सकता है, अंत में असफल ही रहेंगे। अगर बोलना ही है, बोलना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि ये वेग हैं, ये तो रहेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तो फिर एक सकारात्मक है, चुप रहना नकारात्मक है, मौन रहना नकारात्मक है। सकारात्मक साधन को अपना लो, क्या करो, कृष्ण कथा करो, कृष्ण की महिमा गाओ, कृष्ण के नाम को जपो, कृष्ण का कीर्तन करो। अगर हमारी जबान जीभा ऐसे भगवान के नाम रूप गुण, नाम रूप और लीला, चार गुण रूप नाम लीला, इसके विषय में बोलती है, इसकी महिमा गाती है, तो फिर जीवा बस में हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, जो कृष्ण कथा का प्रचारक है वो मृत्यु के चुंगल से परे है। उसकी रक्षा मैं करता हूं, न मे भक्त प्रणश्यति। और ये है मुख्य महत्व हमारे वश में करने का। तो ये हमारा पहला वेग हो गया। अब यहां अपने पास क्या लिखा है, वाणी का वेग, असंयमी असंयमित वाणी, इसका मतलब भौतिक बातें करना, उदाहरण मेंढक और सांप, ये अभी हमने पढ़ा। और संयमित वाणी, इसमें ज्ञानी मौन रखते हैं और ये है मायावादी, ये प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। ये भी मेंढक से इसकी भी तुलना दी गई है। अब संयमित वाणी कृष्ण का, ये है भक्तों का साधन, और इससे वाणी का वास्तविक संयम संभव है। तो भक्त कृष्ण कथा में क्या करता है, गुण रूप नाम लीला, और प्रचारक मृत्यु के चुंगल से मुक्त है। तो यहां तक हमारा वाणी के वेग का वर्णन हुआ। अब है मन की बात, मन तो हमारा कैसा है, ये तो भगवत गीता में जानते, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म, चार विशेषण है, चंचल है, बलवान है और बड़ा हठी है। तो मन जो है, मन का वेग जो है, चंचल मन का वेग, प्रभुपाद जी कहते हैं केवल कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में मन को लगाने से रोका जा सकता है। चेतना चरितमृत का प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, या कृष्ण तां सूर्य तां माया नहीं, तां नहीं माया अधिकार। तो यहां ये जो वेग है मन का, इसमें इस श्लोक से आपके इस स्लाइड में क्या देखेंगे, एक तरफ है माया, एक तरफ है कृष्ण। अब मन किस तरफ जाता है, माया में जाता है कि कृष्ण के पास जाता है। अगर माया में जाएगा तो एक तो भौतिक विचार आएंगे और नहीं तो मन होगा खाली। अपने पास लिखा है मन है शून्य खाली, और खाली मन हम जानते हैं शरीर है, तो मन रहेगा अनियंत्रित। ये हुआ माया में रमने वाला मन। और जो मन कृष्ण की ओर गया, कृष्ण है कि सूर्य के समान, तो मन में हो जाएगा क्या, प्रकाश,
क्या सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, तो जब प्रकाश में मन होगा तो अंधकार में नहीं जाएगा, तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नियंत्रित मन हो जाएगा। तो अब यहां कृष्ण के चरणों में मन कैसे लगे? अब देखो मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जैसे भाई कोई मिठाई हो, लड्डू हो कि हम जहां कृष्ण के चरणों में रख दें, या फल हो कृष्ण। मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना, सोचना, यह है मन के काम। ये मन के काम कृष्ण के चिंतन में लगाना। तो मन का जो काम है वो कृष्ण के चिंतन में लगाना। वैसे भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं मैं अर्पित मन, मेरे को मन दे दो। मन की तुलना लगाम से की गई है। शरीर हमारा, इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, हम अपने आप नहीं संभाल सकेंगे, लगाम कृष्ण के हाथ में देना है। तो मन कृष्ण में लगाने का मतलब मन को कृष्ण के हवाले करना, और कृष्ण के हवाले करना मतलब कृष्ण को प्रार्थना करना। ये प्रार्थना करना कि हमारे मन को आप अपने हाथ में ले लो, क्योंकि वो मांगते ही मन है। तो मन नियंत्रण, भगवान इस मन को नियंत्रण में रख सकते हैं, हम नहीं रह सकते। भगवान और भगवान के प्रतिनिधि इसको संयम में रखने के लिए हमको मार्गदर्शन करेंगे। अब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखिए, अगर सूर्य है तो अंधकार नहीं हो सकता, वैसे कृष्ण अगर मन में है, इसका मतलब कृष्ण को मन में बिठाना। कृष्ण को मन में बिठाना ये आठवें अध्याय भगवद गीता में है कि अंतकाल में कृष्ण का जो स्मरण करेगा वो, उसके मन में कृष्ण होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन है, मन में कृष्ण है तो उसको कौन लेके जाएगा, कृष्ण के धाम ही चला जाएगा। तो मन में कृष्ण हो, मन कृष्ण के हाथ में दिया जाए। अगर कृष्ण को मन में बिठाएंगे तो माया मन को विचलित नहीं करेगी। अब प्रभुपाद इसकी तुलना कर रहे हैं कि जो योग का अभ्यास करते हैं और मन को रोकने का, मन के विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सफलता संभव नहीं है, क्योंकि योग की परिभाषा है मनोवृत्ति निरोध, मन की वृत्ति का निरोध करना, मन के बाहर जाने की वृत्तियों को रोकना, ये योग को कहते हैं। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे अगर हम कृत्रिम रूप से मन को शून्य बनाने का प्रयास करें, खाली रखें, तो ये हम कहावत उस वक्त याद आनी चाहिए, खाली मन शैतान का घर, वो तो फिर कोई ना कोई उल्टे तरफ बातें करेगा ही। तो ये खाली मन रह नहीं सकता। अगर हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, कृष्ण की सेवा का चिंतन करते हैं, ये सबसे उत्तम साधन है मन को स्वाभाविक रूप से वश में करने का, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मन रम जाए कृष्ण में तो फिर मन बाहर कहीं जाएगा नहीं। अब मन का यहां तक पूरा हुआ, इसके बाद क्रोध की बात हो रही है। तो क्रोध के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्रोध को रोका नहीं जा सकता, क्रोध को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि क्रोध आएगा ही। ऐसा नहीं है कि क्रोध, ये इसमें से किसी को खत्म नहीं कर सकते, ये तो हमने पहले कह दिया। इसको सहने के लिए शक्ति पैदा करनी पड़ेगी और युक्ति से इनको वश में करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं समापत पूरा क्रोध नहीं हो सकता है, परंतु करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, यह हमको विवेक होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्रोध तब करो, कोई भगवान की निंदा करे या भक्त की निंदा करे तो क्रोध करना उचित है। तो फिर यह क्रोध कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भावना में हो जाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण, ये आपके कभी इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक तरफ कहते हैं शिक्षा आश्रम में तृणादपि सुनिश्चेना, सहनशील होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना, और दूसरे तरफ स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई के ऊपर क्रोधित हो गए और मारने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान क्यों किया। तो ये क्रोध भक्तों के अपराध
नित्यानंद और हरिदास के अपराध को सहन नहीं किया तो ये उचित क्रोध है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये उचित क्रोध है। कुछरे लोग जब कृष्ण या कृष्ण के भक्तों की कोई निंदा करते हैं तो क्रोध करना उचित है। ये क्रोध जो है अपराधी के प्रति आग बगोला होना आवश्यक है। फिर प्रभुपाद जी दोबारा लिखते हैं क्रोध को रोका नहीं जा सकता परंतु सही जगह सही दिशा में जैसे दिशा बदलनी है। जैसे बड़ी ट्रेन चलती है ना एक पटरी से दूसरे पटरी पे ले जाने के लिए ट्रेन को उठा के नहीं रखते हैं बस एक केवल एक बटन को दबाते हैं तो एक से दूसरी पटरी पे चल जाए। तो क्रोध जो पहले अपने लिए होता है इंद्रियों के भोग के लिए होता है उसको छोड़ के भगवान और भक्तों की सेवा में लगाना। फिर दो उदाहरण दिए हनुमान ने लंका को जलाया क्रोध किया महान भक्त कहलाता है कोई नहीं कहता है उसने गलत काम किया। और अर्जुन क्या कर रहा है बिना क्रोध के कोई लड़ाई कर सकता है क्या शत्रु को मारने के लिए क्रोध करना पड़ेगा। तो ये क्रोध जो है हनुमान ने रामचंद्र की सेवा में किया अर्जुन ने कृष्ण की सेवा में किया। अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध के लिए उत्तेजित किया नहीं तो बिना क्रोध के युद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब है क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अब हम आते हैं दोबारा जीवा वेगम पे। अच्छा क्रोध में यहां क्या लिखा है पे वापस आइए। क्रोध का नियंत्रण भगवान व भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोध का प्रयोग करना और उदाहरण चेतना महाप्रभु जगाई मदाई हनुमान और अर्जुन ये हमने पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं जीभा वेगम। जीभा का वेग इसके साथ ये तीन एक लाइन में है जीभा उदर और उपस्थ इंद्री। एक जीभा को नियंत्रण में करेंगे तो तीनों नियंत्रण में हो जाएंगे इसका सिद्धांत ये है। तो जीभा को स्वाद चखने का बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खाने की हमेशा इच्छा रहती है। हम ऐसे सदा जो चाहे वो जीभा को दे पाए ये संभव नहीं है परंतु अगर हम जीभा को वश में करना चाहिए चाहते हैं तो एक ही रास्ता है केवल एक रास्ता है कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। की मनोवृत्ति होती है कि केवल कृष्ण प्रसाद खाना है ये भक्त की मनोवृत्ति है केवल कृष्ण प्रसाद खाना है यही साधन है इस जीभा के वेग को रोकने का। और वो प्रसाद भी निर्धारित समय के ऊपर लेना परंतु खाने के लिए कहीं बाहर मिठाई के दुकान पे रेस्टोरेंट में जाना अपने जीभा को और पेट को उदर पूर्ति के लिए उचित नहीं है नहीं करना चाहिए। केवल एक प्रसाद खाने के नियम का पालन करें तो हम उदर का और जीभा के वेग को रोक सकते हैं। अब आप देखिए हमारे जीवन में हम प्रसाद कितना अपने आप को प्रसाद के ऊपर ही केवल एकमात्र नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत आरंभिक दिनों में भक्त प्रचार करने जाते थे प्रसाद तो साथ नहीं होता था वो बड़े सुपरमार्केट से सामान लाते थे फिर भगवान को अर्पण करते थे ऐसे जो भी फोटो आदि होता था फिर खा लेते थे तो बेचारे लंबे सफर के बाद भूखे होते तो लाए और खाया शुरू के बोला अर्पण किया भगवान को भोग लगाया बोला हाँ बोला कहाँ लगाया बोला मैं पूरा स्टोरी भगवान अब सारा ही प्रसाद जो लेगा उसको प्रसाद मिलेगा।
तो ये प्रसाद, ये केवल प्रसाद खाना है, ये नियंत्रण जीवन में करना इतना आसान नहीं है। ये करने से जीवा वश में होगी तो उधर भी और ऊपर सब को वश में हो सकता है। अब कहते हैं उपस्थ इंद्री को वश में करने के लिए केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमको कृष्ण भावना में बहुत ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भक्तों का विवाह, जो भक्तों का, भक्तनों का विवाह हो जाए और बच्चे पैदा हों, और बच्चे थोड़े बड़े हों तो हमारे पास गुरुकुल में आप छोड़ जाइए। वो कृष्ण भावना भावित भक्तों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसे करने से ये जो उपस्थ इंद्री का वेग है इसको नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए गुरुकुल हमारी सफल नहीं हो रही है, अभी तक प्रभुपाद के जाने के बाद भी 40 साल हो गए लेकिन गुरुकुलों में हम सफल नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर एक जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब इसका सोचते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कहते हैं जिसके बच्चे छोटे हैं वो सोचे, आखिर कौन करेगा ये? जो पेड़ लगाता है वो तो फल नहीं खाता है, तो इसलिए किसी को ये कार्य करना पड़ेगा। तो यहां तक आज हम पूरा करते हैं। अगर हम कृष्ण भावना के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो हम प्रभुपाद लिखते हैं फिर आप प्रमाणिक गुरु के अधिकारी हो जाते हैं और पूरे विश्व में फिर शिष्य बना सकते हैं। इसके बाद अब हम फिर दोबारा सोमवार को मिलेंगे या कल, कल का एक दिन तो है हमारे पास, तो ये अनुवृत्ति टीका, इसके बाद आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद की अनुवृत्ति टीका। तो आप चाहें तो नेक्स्ट मंडे को, चाहें तो कल शुरू करना, चाहें तो कल करते हैं, आप बताइए जैसे भी हो। लेकिन यहाँ आज कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। ठीक है। नहीं मैं ऐसे, मैं क्योंकि 14 के बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा और ज्यादा, मेरा 10 से 12 क्लास शुरू हो जाएगा, तो ठीक है, इट्स ओके। एज इट इज इंग्लिश में तो मेरे पास नहीं है, इंग्लिश में फिर दूसरा वर्जन होगा कोई, ये वर्जन नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ जी।